से भागना चाहती हूँ, और फिलहाल तो मेरी नजर में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे आसरा दे, इसलिए तुम्हारा ख्याल आया। अगर मैं यहाँ से भाग जाती हूँ तो फिर क्या तुम मेरी मदद करोगे? कम बची हो यहाँ के माहौल से, पर तुम भी यहाँ आके धमक पड़ी। और कहाँ जाती मम्मी, हॉस्टल में रहने के लिए पैसे भरने पड़ते हैं। अरे पैसों के चक्कर में ना हमें तो लगता है हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस उम्मीद से यहाँ आए थे वो उम्मीद भी पूरी होती नजर नहीं आ रही। एक बात कहूँ मम्मी, यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब सब कुछ अच्छा तो है। अरे का अच्छा है, यहाँ कहने को अपना कुछ है का? सब कुछ पराया पराया लगता है। एक बात बता, तू सच में यहाँ पानी पीने आई थी ना? हाँ मम्मी, और नहीं तो क्या? कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रही है? इतनी ठंड पड़ रही है और तेरा गला सूख रहा है। देख देख प्रिया,
अगर कुछ एहर उहर किया ना तो फिर देखना। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, वो कमरे में पानी नहीं था ना। चुप, एक बात कान खोलकर सुन लेना, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ की ना तो तुम्हारे बापू जी जो है ना वो काट के फेंक देंगे तुमको। मम्मी मैं सच कह रही हूँ, आप लोग क्या कभी मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे? अरे तूने जो गोल खिलाया था ना वो अभी तक भूले नहीं हम लोग, ये लिए तो तुझे हॉस्टल में भेजे थे, तू वहां से भी भाग गई। अब जब तक तू यहाँ है कायदे से रहना। जी मम्मी, आप इस वक्त यहाँ कुछ लेने आई थी? अरे तेरे बापू जो है ना हमको परेशान करके रख दिए हैं, नींद नहीं आ रही तो बोले जाओ जाके चाय बना कर लेकर आओ। चाय इस वक्त? अरे वो यहाँ पर चाय को भी अमृत समझ के पी रहे हैं। ठीक है आप जाइए कमरे में, मैं बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बिटिया, कोनो गड़बड़ हो गई ना तो बड़बड़ाते रहेंगे, तू जा हम बना लेंगे चाय। के दिमाग में क्या है, सारी हरकतें ही अजीब है। सोनिया आधी रात को किससे बात कर रही थी? इस तरह एक शादीशुदा औरत कब किसी अनजान आदमी से बात करना ठीक नहीं। क्या सागर ये सारी बातें जानता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे दीप आप कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं, सोने से पहले मेरी आदत है कि एक बार सारे घर को चेक कर लूं। आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्या बात हो गई जो पूरे घर में ढूंढ रही थी? अरे आप अचानक बिस्तर में से गायब हो गई, मैं घबरा गई थी। आपको पता है मुझे अकेले सोने में डर लगता है। अरे घबराने की क्या बात है, कमरे में कोई भूत है क्या? दीदी आप भी ना, अब कुछ परेशान लग रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत बोलती है तू। चल अब सोने चल, मैं भी आती हूँ। राम राम। अरे राम राम सेठ जी, और सवेरे सवेरे सवारी कहाँ चली? अरे हम तो हमारे काम से ही जा रहे हैं सड़क तक, वो घी के कनिस्तर उतरने वाले हैं ना, उसी का मुआयना करने जा रहे हैं। तो जाइए, यहाँ क्यों ठिटक गए? तुम्हें देख के ठिटक गया काकी, क्या बात है आज सुबह सुबह ही विष्णु भवन पे आंखें टिक गई है, कहीं तुम्हारी नजर भी तो इस घर पे नहीं? हवेली पे नजर तुम ही रखो, अरे हमारी नजर तो घर वालों पर है। घर वालों पर? क्या बात है, कहीं जादू टोना करने का तो विचार नहीं है? हम कोई टोना ही नहीं है जो जादू टोना करेंगे। अरे हम तो ये देखने आए थे कि ऐसी क्या बात है जो रोज रात को जोर जोर से झगड़े की आवाज आती है। अरे इतनी जोर से आवाज आती है कि मन करता है तभी आके देखे। क्या बात कर रही हो, रोज रात को झगड़े हो रहे, इसका मतलब कुछ है? बात तो है, तभी तो धुआं उठ रहा है। काकी तो आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जाइए जल्दी से आग में घी डालिए ना। अरे आग में घी तो तब डालूंगी जब वजह मालूम होगी। काकी अब क्या बोलूं मैं आपको, अरे बाहर खड़े खड़े कोई सुराग मिलेगा क्या? आपको घर के अंदर जाना होगा, देखना होगा कि कमजोर मोहरा कौन है। अरे कल एक को पकड़ के पता करने की कोशिश की थी पर कोई भनक नहीं लगी, तो सोचा आज सवेरे सवेरे जाकर पता करूं कि आखिर माजरा क्या है। ऐसे पता नहीं चलेगा काकी, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। काकी कुछ भी करो मैं ये घर खरीदूंगा। खरीदोगे तो तब जब कोई बेचने को तैयार होगा। देखो काकी ये मैं कुछ नहीं जानता, आप सिर्फ पता करो बस, ये घर में जरूर कोई कमजोर कड़ी है जिसको हम फंस सकते हैं। इतना तो जरूर है कि ये कमजोर कड़ी ये जो आए हैं उनमें से ही एक है, क्योंकि इनके आने से पहले तो बिल्कुल शांति थी पर जिस दिन से ये लोग आए हैं झगड़े होने लगे हैं। अरे काकी आप बार बार झगड़ा झगड़ा कह रही है,
ये झगड़े की जड़ क्या है वो तो बताइए। यही पता करने के लिए तो हम यहाँ खड़े हैं, और क्या कर रहे हैं? आप बस पता करो और फौरन मुझे बताओ। अगर बेचने खरीदने की बात होगी ना तो मैं फौरन लपक लूंगा। अभी मैं चलता हूँ, गाड़ी आ गई होगी। राम राम। हेलो भाई साहब, मैं आपको समझा तो रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। अरे आप तो कुछ समझ के राजी नहीं हो रहे। भाई साहब मैं पैसों के इंतजाम करने ही बाहर आया हूँ, शहर छोड़ के जाने का शौक नहीं है मुझे। और एक बार पैसों का इंतजाम हो जाए तो मैं खुद आपसे आके मिलूंगा। अरे तो आपको क्या लगता है मैं आपको अपनी शक्ल दिखाने आ रहा हूँ क्या? ऐसे मिलते ही आपके पास आता हूँ मैं। जी जी देखिए आप मेरी बात सुनिए, जहां आपने इतना इंतजार किया वहां थोड़ा सा और कर लीजिए। जी मैं मिलता हूँ, प्लीज मैं आपके आते पैसे चुका दूंगा। हाँ जी जी बहुत मेहरबानी। समय देने के नाम पे तो सब काटने को दौड़ते हैं। जब तक नंदिनी इस घर की मालकिन बनी हुई है तुम्हें तो इस घर से भीख भी नहीं मिल सकती। तू और मैं एक दूसरे के सेंटीमेंट को समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए सारा मैंने एक फैसला किया है कि मैं ये घर बिकने नहीं दूंगी। उसका यहाँ आना ठीक नहीं है और तुम भी यहाँ मत आना। ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कि तुम दोनों के नाम से अरेस्ट वारंट निकला है। क्या बात है दमाद जी? अरे बिनसारे बिनसारे किससे बतिया रहे हो? क्या बात हो गई जितना परेशान दिख रहे हो? अरे पापा जी आप उठ गए इतनी जल्दी? वहां तो 10 बजे से पहले आपकी आंख नहीं खुलती थी। अरे बेटा हमारी नींद की बात छोड़ो, तुम बताओ तुम काहे परेशान हो? मुंह काहे लटका हुआ है? मैं जी रात को सो नहीं पाया था और सर में दर्द हो रहा था। ले सर में दर्द हो रहा है लेकिन बतिया रहे थे तुम हैं? अरे सर में दर्द रात कह देते भैया ऐसा है हम बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम बतिया जा रहे थे। अच्छा ये बताओ फोन किसका था? जी मेरे दोस्त का फोन था, मैं कह रहा था कि क्या दोस्त? अरे गजब हो गजब। ले राजा अब सुनो, तुम्हारे दोस्तों हैं है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। अब अहिन तक तो हम तुमरे सिर्फ दुश्मनी के बारे में सुन रहे, तुमरे दोस्त कहाँ से पैदा हो गए? जी मैं आपको कह रहा हूँ ना मेरा दोस्त था, आप मेरी बात की यकीन क्यों नहीं करते? बेटा बात ऐसा है हम तो यकीन कर लें, लेकिन तुम हमारा यकीन कभी मत तोड़ना। हमसे अगर कोनो बात छुपाए ना तो समझ लियो। जी नहीं छुपाऊंगा, लेकिन अब आप सुबह उठ गए हैं तो जाइए मामा जी की तरह गांव घूम के आइए, ताजी हवा लगेगी। ओ बेटा घूम तो आ मैं ताजी हवा भी ले लें, लेकिन अगर सुबह सुबह एक तो गरम चाय मिल जात ना तो तुम्हारा दिमाग ठीक रहा, हमरो जो शरीर के अकड़न ना ससरी जो दूर हो यार। जी बस दीदी लेकर आती होंगी चाय। हो गया शुरू हो गया दीदी दीदी लगे दीदी दीदी करे। एक भी चीज जगह पे नहीं है, ये चाय पत्ती कहाँ रहती? ऐसा तो नहीं कहीं इन्होंने जानबूझकर छुपा दिया कि मुझे चाय ना मिले? सारा मूड खराब करके रख दिया, मैं चाय कैसे पीऊं? एक बार फिर कोशिश करती हूँ। अरे क्या ढूंढ रही हो, जरा डिब्बे क्यों पिटक रही हो? बोलो तो सही। पटको नहीं तो क्या करूं? किचन है ये, इसे किचन कहते हैं? एक छोटी सी चीज नहीं मिल रही है। अच्छा बताओगी क्या चाहिए? सोनिया इस तरह ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, पर
अरे कितनी बार ऐसा होता है कि मैं चीजें रखती हूँ, रखकर भूल जाती हूँ, बताओ तो सही क्या? अच्छा, रख के भूल जाती हूँ या आज जानबूझ के छुपा दिया कि मुझे सुबह सुबह चाय भी ना मिले? सीधा बोल देती कि चाय की पत्ती चाहिए। ये लो, सबके लिए बना लेना। मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। क्यों, तुम अकेली चाय पियोगी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, घर के और लोग चाय नहीं पीने वाले क्या? देखो मुझे इरिटेट मत करो, सुबह सुबह वो भी एक छोटी सी चाय के लिए। ठीक, फाइन, जाओ मैं खुद ही बना लूंगी। सोनिया एक मिनट रुकना। क्यों, अब क्या मेरी तलाशी लोगी कि मैं किचन से जाते हुए कुछ लेके तो नहीं जा रही? ऐसी बेकार सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है, मेरी नहीं। मैं तो बस ये पूछना चाहती थी कि कल रात को इतनी देर तक तुम किससे बात कर रही थी? अगर मैं किसी को रात में कॉल करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि देर रात चोरी चोरी किसी से बात करना ठीक नहीं होता। मैं किसी को चोरी चोरी कॉल नहीं कर रही थी, और एक्सक्यूज मी, अपनी ये ऑर्थोडॉक्स सोच अपने पास रखो, मेरी जासूसी करना बंद करो। बहनी बहनी कह रहे हैं, अगर चाय का मामला भी तुम्हारे बहनी के हाथ में है ना, तो ओकर तो राम है मालिक है। अरे वो हमको का चाय पिलाएगी, ओकर बस चले ना तो हमको माहौर ला के दे दे। पापा जी सुबह हुई नहीं और आप शुरू हो गए। अरे आपको तो बस बहाना चाहिए दीदी के बारे में कुछ बोलने का। दीदी के बारे में नहीं बेटा, दीदी के बारे में नहीं, सच्चाई बोलने के लिए। अरे जो तुम्हारी बहनियां ना डाइन है डाइन, उसके रहते हुए यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं पहले सुबह से बहुत परेशान हूँ और आप मुझे और परेशान कर रहे हैं। परेशान है तब तुम कहे कि सुबह सुबह दामाद जी काहे परेशान है, है? अब सच्चाई समझ में आई हमरे, काहे तुम्हारा मुंह लटका हुआ है? मुंह लटकाने की बात नहीं है पापा जी, बात यह कि आप सोच के बोलिए, कहीं कुछ ऐसा मत बोलिएगा कि जो उम्मीद दिख रही वो भी चली जाए। दामाद जी तुम काहे गुस्सा रहे हो? तो तुम गुस्सा ही हो ना तो ये जो धरती है फट जाएगी, समझो? देखो ऐसा है, अब तुमका कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम चुप्पी मार के बैठो, अब जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे। क्यों, आपको कोई पारस का पत्थर मिल गया है? जो आप लोहे पे लगाओगे तो वो सोना बन जाएगा? अरे ये जो हमारा दिमाग है ना, ये कोनो पारस पत्थर से कम नहीं है बेटा। एक बार जौन काम में उलझ जाते ना, फिर काम ही ऐसे चुटकी में हो जाते हैं। ऐसा क्या करने वाले हैं आप जो इतना हल्ला मचा रखा है आपने? ये जो तुम्हारी बहनियां है ना, उसको हम ठिकाने लगाए, ऐसा जुगत भिड़ाएंगे ना, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी बेटा। करने क्या वाले हैं आप? बेटा हम तुमसे कहे ना, गांधी जी के तीनों बंदर की तरह आंख मुंह और कान, ये तीनों बंद कर लो, जबान का लगा लो ताला, मुंह बंद करके बैठो। पापा जी चुप्पी साधने से क्या हो जाएगा? अरे कहे नहीं होगा बेटा, बिल्कुल होगा। अब जो कुछ होगा ना, कानून के रास्ते होगा। अरे तुम्हारी जो बहनिया नंदनिया है ना, इसने कानून का खेला अभी देखा कहाँ है? ए बेटा, दुनिया में ऐसा कौनो कानून नहीं है जिसने भाई के रहते बहन उसका हक मार ले। ए बेटा हम तुमसे कह दे रहे हैं, एक दिन सारी प्रॉपर्टी अगर हमने तुम्हारे नाम नहीं कह दिया ना, तो हम अपना मूंछ मुड़वा देंगे। बस हमारी बात सुन लो, देखो इब्तदा इश्क है ऐ जाने जा, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नया व्हील।